गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ SHM, जो कि वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करना होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, वो आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में सुपरइम्पोज होती हैं, तो क्रॉसिंग पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक वेव, सपोज करिए हमारे पास दो वेव्स हैं, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 और एक का y2 है, जब किसी मीडियम में सुपरइम्पोज करेंगे तो मीडियम के क्रॉसिंग पॉइंट पे जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। अब आइए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहां पे हमने दो वेव्स को कंसीडर किया हुआ है, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का y2 है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग पॉइंट पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2, जहां y1 पहले वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट है और y2 दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है। और फिर यहां पे क्रॉस जब हो रही हैं दोनों वेव्स, फिर ये दोनों आगे की तरफ बढ़ जा रही हैं। आइए दूसरे कंडीशन में देखते हैं। सपोज करिए पहले वेव्स जिसका डिस्प्लेसमेंट मैंने y1 माना और दूसरा जिसका y2 माना, ये भी मीडियम में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब क्या होगा, अब जब ये दोनों वेव्स आगे की तरफ आ रही हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट पे जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस क्रॉसिंग पॉइंट पे लिखा जाएगा वो y1 डिफरेंस y2 के इक्वल होगा, क्योंकि y1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और y2 नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो y विल बी y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, ये डिपेंड करेगा कि y1 और y2 की वैल्यू कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं। और फिर यहां क्रॉस करने के बाद ये दोनों वेव फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। अब इसके कुछ स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास दो वेव्स दिए गए हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट ए और ए के इक्वल हैं, और ये दोनों आपके एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो होगा y1 प्लस y2। यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए है और यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट ए है, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट आपका बेसिकली ए प्लस ए यानी कि 2a के इक्वल हो जाएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर इसी तरीके से हम दूसरे केस में देखें, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि एक का डिस्प्लेसमेंट मैंने a माना है, दूसरे का a माना है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, हालांकि ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रॉसिंग पॉइंट पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि ऊपर भी आपका ये है और नीचे भी ये है, यानी a नेट आपका जीरो हो जाएगा क्रॉसिंग पॉइंट पे, और फिर ये वेव्स आपके आगे की तरफ निकल जाएंगे। आपको ये बताया गया था कि इस पर्टिकुलर वेव में चूंकि कोई स्ट्रेचिंग नहीं है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो नहीं होगी। जबकि पहले मैंने ये बात डिस्कस किया था कि जब आप सिंगल वेव की बात करते हैं तो सिंगल वेव में जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होती है वही काइनेटिक एनर्जी की होती है। ओके, थैंक यू, गुड लक।